जय हिंद। आज मैं वानीरा कक्षा 8 बा की छात्रा आप सभी के समक्ष आलोचना के महत्व पर कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आलोचना को गंभीरता से लो, व्यक्तिगत रूप से नहीं, और अगर इसमें कोई सत्य और योग्यता ही ना हो तो इसे भुला देना चाहिए। आज दुनिया एक ऐसे स्थान पर आ गई है जहाँ पे हर मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। अपनी आलोचना सुनने के बाद उनका तापमान गर्म हो जाता है और इसी घमंड में वे अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार देते हैं। कबीर दास जी ने सही ही कहा है, निंदक नियरे राखिए आनंद कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ यही है कि जो आपकी निंदा करते हो उन्हें हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वे ही हैं जो बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को सही करते हैं। आलोचना के बिना जीवन में सफलता का कोई मोल नहीं। आलोचना से बहुत लाभ है। पहला, ये आपको नम्र और स्थिर रखता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि जिन कार्यों में हम अच्छे होते हैं उनमें हमसे अच्छा और कोई नहीं होता, जो कि गलत है। और दूसरा, ये आपके गुणों को अच्छा करने का एक और अवसर देता है और सभी को क्षमा करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए विकास के लिए आलोचना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।